हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक इन सिविक्स क्लास। आज हम लोग देखने वाले हैं एक नया चैप्टर जो है आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी। ये 7th चैप्टर है और इसका ये पार्ट 1 है। बच्चों, इस लेसन के साथ ही आप लोगों का ये सिविक्स का पूरा बुक कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए, ये एक इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का। तो इस इंट्रोडक्शन में हम लोग देखेंगे कि इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आवर टूर ऑफ डेमोक्रेसी इज गोइंग टू वाइंड अप विद दिस चैप्टर। इस चैप्टर के साथ ही हम लोग का ये जो सफ़र था सिविक्स का डेमोक्रेसी के साथ, ये बच्चों समाप्त हो जाएगा और आप लोग का पूरा कोर्स पूरा हो जाएगा, सिलेबस पूरा हो जाएगा। इन दिस जर्नी ऑफ डेमोक्रेसी वी हैव डिस्कस स्पेसिफिक थीम्स सच एज, हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों पे डिस्कस किया। वी हैव डिस्कस लॉट ऑफ थिंग्स सच एज शेयरिंग ऑफ पावर, हाउ पावर इज शेयर्ड, वी हैव नो अबाउट इट कि हाउ पावर इज शेयर एमंग द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में पावर की शेयरिंग किस प्रकार से होती है, ये हम लोगों ने देखा। वी हैव ऑल्सो रीड अबाउट फेडरलिज्म। फेडरलिज्म जो एक फेडरल स्ट्रक्चर होता है, यानी जो 3 टीयर्स में हमारी गवर्नमेंट काम करती है, एंड पावर इज शेयर बिटवीन ऑल दिस 3 टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट, उसके बारे में हम लोगों ने जाना। देन वी हैव रीड अबाउट जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। हम लोगों ने जेंडर के बारे में पढ़ा, रिलीजन के बारे में पढ़ा और कास्ट के बारे में पढ़ा। कि इससे पहले भी हम लोगों ने जब नहीं पढ़ा था, तब भी हम लोग जेंडर के बारे में, रिलीजन के बारे में और कास्ट के बारे में जानते थे, बट इतना डीप स्टडी हम लोगों ने नहीं किया था। हम लोगों ने इतना ज्ञान नहीं लिया था जो कि अब हम लोगों के पास है आफ्टर रीडिंग दिस लेसन जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। और हम लोगों ने इन डाइवर्सिटीज़ को बहुत बखूबी देखा और समझा है। हम लोगों ने मूवमेंट्स और प्रेशर ग्रुप्स के बारे में पढ़ा। हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार जब एक गवर्नमेंट मेजॉरिटी में होती है और वो कोई गलत स्टेप उठाती है, तो उसको हटाया तो जा नहीं सकता, लेकिन उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट किए जा सकते हैं थ्रू मूवमेंट्स एंड प्रेशर ग्रुप्स। और यही एक रास्ता पीपल्स के पास होता है, सिटीजन्स के पास होता है, टू प्रेशराइज़ द गवर्नमेंट कि वो उन मुद्दों पे ध्यान दे जिनको लेकर लोग परेशान हैं। वी हैव लर्न अबाउट डाइवर्सिटी। और हम लोगों ने देखा कि कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जिसमें कोई डाइवर्सिटी ना हो। हम लोगों की कंट्री में भी, इंडिया में भी बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ हैं, जैसे जेंडर, रिलीजन, कास्ट, ये 3 मेन हम लोगों ने पढ़ा है, जो डिफरेंसेस हैं डिवीज़न के, उनको हम लोगों ने पढ़ा है। और हम लोगों ने ये भी जाना कि किस तरह सिमिलरिटीज से डिवीज़न्स को कम किया जाता है, सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी। उसके बाद हम लोगों ने पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में पढ़ा कि पॉलिटिकल पार्टीज़ किस तरह से इन डाइवर्सिटीज़ को लेकर के पॉलिटिक्स करती हैं, इनको पॉलिटिक्स में शामिल कर लेती हैं और उनके ऊपर पॉलिटिक्स करती हैं। और हम लोगों ने पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में देखा कि नेशनल पार्टीज़ क्या होती हैं, स्टेट पार्टीज़ क्या होती हैं, उनका फॉर्मेशन किस तरह होता है, उनमें क्या रिफॉर्म्स करने चाहिए, क्या उनके चैलेंजेस हैं, ये तमाम पॉइंट हम लोगों ने इस क्लास में हम लोगों ने सारी चीज़ें पढ़ी और एक विस्तृत ज्ञान हम लोगों को प्राप्त हुआ कि हाउ डेमोक्रेसी वर्क्स इन आवर कंट्री। नाउ इन दिस चैप्टर वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द एक्चुअल आउटकम्स ऑफ द डेमोक्रेसी। अब हम लोगों ने तमाम चीज़ें पढ़ ली, अब हम लोग इस बात पे आ गए हैं कि वो क्या चीज़ें हैं जो हम लोग को परिणाम के रूप में प्राप्त होती हैं एक डेमोक्रेसी से, एक डेमोक्रेसी के फॉर्म को अपनाने से जो हम लोगों ने अपनाया हुआ है, आखिर हम लोगों को इससे परिणाम स्वरूप मिलता क्या है, हम लोग क्या गेन करते हैं। तो इस लेसन में वी आर गोइंग टू रीड सम क्वेश्चंस
एंड वी विल गोइंग टू फाइंड आउट द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चंस कि हाउ डू वी एसेस डेमोक्रेसीज आउटकम, डेमोक्रेसी के परिणामों को हम किस तरह से आंकते हैं, किस तरह से उसका कैलकुलेशन करते हैं, किस तरह से उसको देखते हैं, एसेस करते हैं, एसेस माने आंकलन करना, तो किस तरह से उसका आंकलन करते हैं डेमोक्रेसी के आउटकम्स को, ये हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि पीपल्स क्या सोचते हैं डेमोक्रेसी के बारे में और उनको किस तरह से डेमोक्रेसी को देखना चाहिए। अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लीजिमेंट गवर्नमेंट, हम लोग इसमें उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध गवर्नमेंट क्या होती हैं इसके बारे में भी हम लोग विस्तार में देखेंगे। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, क्या डेमोक्रेसी जो है वो हम लोग को इकोनॉमिक ग्रोथ में और डेवलपमेंट में सहायक है या नहीं है, है तो कैसे है और नहीं है तो कैसे है, ये तमाम चीज़ों को हम लोग देखेंगे। हम लोग इसको भी देखेंगे कि रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी, क्या इनइक्वालिटी और पॉवर्टी जैसे मुद्दों पे डेमोक्रेसी इनको ख़त्म करने के लिए या कम करने के लिए में सक्सेसफुल है या नहीं है। इनइक्वालिटीज़, हम जानते हैं कि इनइक्वालिटीज़ हर जगह देखने को मिलती हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि इनइक्वालिटीज़ नहीं होनी चाहिए ऑन द रिलीजन ऑफ जेंडर, रिलीजन, कास्ट, जितनी भी डाइवर्सिटी है उसमें इनइक्वालिटीज़ नहीं होनी चाहिए। और लेकिन असल में हम लोगों को दिखाई देता है इनइक्वालिटीज़ समाज में, तो क्या डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करने से हम लोग इसको कम करने में सफल रहे हैं या नहीं रहे हैं, क्या आउटकम्स आए हैं उसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। और यही चीज़ पॉवर्टी के साथ भी है, पॉवर्टी आज भी बनी हुई है इंडिया में, तो क्या पहले की अपेक्षा अब पॉवर्टी कम हुई है, नहीं हुई है, और कहाँ तक डेमोक्रेसी इसमें सफल रही है, इस उसके आउटकम्स को हम लोग देखेंगे। एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी, जो सोशल डाइवर्सिटी हमारे समाज में है, सोसाइटी में है, क्या उसको फलने फूलने का मौका डेमोक्रेसी दे पाती है या नहीं, व्हाट आर द आउटकम्स इस पॉइंट के हैं, इनको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि जो सोशल डाइवर्सिटीज़ हैं क्या उनको यहाँ पर पूरा मौका मिलता है कि नहीं फलने फूलने का, ये चीज़ हम लोग देख पाएंगे। और डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीज़न, लोगों का सम्मान और उनकी आज़ादी, सम्मान और उनकी आज़ादी किनकी, सिटीजन्स की, क्या सेफ है इन ए डेमोक्रेसी, इसके आउटकम्स क्या हैं, कहाँ तक डेमोक्रेसी सफल रही है इसमें, हमारे डिग्निटी को बनाए रखने में और हमारे फ्रीडम को बनाए रखने में, इस चीज़ को भी हम लोग देखने वाले हैं। तो ये तमाम क्वेश्चंस के आंसर हम लोग को इस चैप्टर में मिलने वाले हैं। तो बच्चों, अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए और तब तक शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।